हेलो फ्रेंड्स, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। हम दिवाली क्यों मनाते हैं आप सबको तो पता ही होगा, मैं फिर भी बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ। श्री राम, उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जंगल में रहते थे अपने पिताजी के वचन को निभाने के लिए, और उन्हें ऐसा 14 साल करना था। 13 साल तो ठीक से निकल गए, लेकिन आखिरी साल एक दिन बड़ी गड़बड़ हो गई। सीता जी को दुष्ट राक्षस रावण उठा ले गया। सीता जी को ढूंढने में राम जी की मदद हनुमान ने की। पता चला वो समुद्र पार लंका में है। राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी वानरों की सेना वहां पहुंच गए। आखिर में राम ने रावण को मार गिराया और अपनी पत्नी के साथ अयोध्या लौट आए। सब लोगों ने खुशी में घी के दिए जलाए। उस दिन को हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। ये रामायण की कहानी है जहां पर अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। लेकिन आज मैं आपको एक नई बात बताने वाला हूँ। राम की रावण पर ये जीत फिटनेस की भी जीत है, हेल्दी लाइफस्टाइल की लेजीनेस पर भी जीत है। आइए जानते हैं कैसे। नंबर एक पर आता है नेचुरल एंड हेल्दी डाइट। श्री राम 14 साल तक जंगल में रहे। वहां पर महलों के पकवान नहीं थे। राम, लक्ष्मण और सीता जी कंदमूल खाते थे, क्योंकि वो तीनों एक कुटिया में रहते थे। वहां पे कोई इलैबोरेट किचन तो नहीं हो सकता, इसलिए कंदमूल, जिनका मतलब होता है रूट्स, जैसे कि शकरकंदी, आलू, गाजर और मूली एक्सेट्रा, ये सब नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। किसी भी प्रोसेस्ड फूड से मीलों दूर, क्योंकि जंगल में फूड प्रेपरेशंस बिल्कुल बेसिक होती है, जैसे कि सीधे फल खाना और अगर कुछ पकाया भी तो सिर्फ खाने के लिए। वही दूसरी तरफ रावण महलों में रहा, दास दासियों के बीच, हमेशा पकवानों का देर। ये सब टेस्टी तो लगता है मगर हेल्दी नहीं होता। उस वक्त इन टेस्टी चीजों की लिस्ट कुछ और ही रही होगी। आजकल इस लिस्ट में क्या क्या है? रेस्टोरेंट की ग्रेवी, टेक अवे इसका जंक फूड, स्ट्रीट फूड्स के नाम पर डीप फ्राइड खाना। राम जी ने तो रास्ते में रुककर भी शबरी के भेर ही खाए थे, मगर हम आजकल रास्ते में रुककर फ्रूट्स नहीं खाते, पिज्जा और बर्गर खाते हैं। ये सब अनहेल्दी होता है। तो सबसे पहले श्री राम जी से ये बात सीखिए, हमें नेचुरल और हेल्दी डाइट खानी है। दूसरे नंबर पे आता है टाइमली ईटिंग। खाना हेल्दी तो होना ही चाहिए मगर टाइम पर भी होना चाहिए। रावण का भाई कुंभकर्ण दिन रात बस खाता ही था। वो भगवान ब्रह्मा से मांगना चाहता था इंद्रासन, यानी कि इंद्र की गद्दी, मगर उनके मुंह से निकल गया निद्रासन, यानी कि कंप्लीट स्लीप, हमेशा सोना, जिसकी वजह से वो 6 महीने नींद में ही रहता था। और जब उठता था तो बहुत भूख लगी होती थी, इसलिए बस खाता ही रहता था। मगर आपके साथ तो ऐसे कोई गड़बड़ नहीं हुई है? तो फिर आप रात को 12 बजे मैगी क्यों खाते हो? बस सिर्फ सोचिए, क्या आप श्री राम को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं दिन रात बस खाते हुए? नहीं ना। आप भी अर्ली डिनर करना शुरू कर दें और श्री राम के जैसे हेल्दी हो जाए। नंबर तीन पर आता है जल्दी सोना और जल्दी उठना। राम जी की पत्नी सीता रावण की जेल में थी। राम जी के लिए उनको जल्दी बचाने से जरूरी और कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी युद्ध केवल दिन में ही होता था। सनसेट होते ही शंख बजता था जिससे लड़ाई रुक जाती थी। ये उस समय का रूल था। रात की इम्पोर्टेंस वो लोग जानते थे कि रात रेस्ट और रिवाइवल के लिए है, ताकि सुबह फ्रेश होकर फिर लड़ा जा सके। हमें भी राक्षस रूपी बीमारियों से लड़ने के लिए आज रेस्ट और रिवाइवल की बहुत जरूरत है। रोज हेल्दी जीने के लिए टाइम से सोना जरूरी है। आपका कोई भी काम राम और सीता के मिलने से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। अगर वो मिलना भी रात की वजह से पोस्टपोन हो सकता है तो आपकी फेवरेट वेब सीरीज या जरूरी पावर पॉइंट भी रोक सकता है। टाइम से सोइए और जल्दी उठिए ताकि आप जीवन की हर जंग जीत सके। चौथे नंबर पर आता है फिजिकल एक्सरसाइज। राम जी गुरुकुल में शिक्षा लेने गए, वहां कैसे घूमते थे? पैदल। फिर पत्नी और भाई के साथ जंगल में रहे, वहां कैसे चलते थे? पैदल। फिर बीवी को ढूंढने निकले, तब भी पैदल। और जब युद्ध लड़ा तो रावण रथ पर सवार था, मगर राम जी बिल्कुल पैदल और बेयरफुट। वो भगवान का अवतार थे, कुछ भी यूज कर सकते थे। लेकिन रामायण हमें इस बात से कुछ सिखाती है, रिमेन ग्राउंडेड, जमीन से जुड़े रहना। इसका एक मतलब है हमेशा हम्बल रहना। एक मतलब फिटनेस रिलेटेड भी हो सकता है। बहुत सारे रिसर्च की एक फाइंडिंग है, सॉइल यानी कि मिट्टी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। बच्चों को मिट्टी में खेलने देना चाहिए, साथ ही में पैदल चलना बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। इसलिए राम की तरह जमीन पर चलें और जमीन से जुड़े रहें। नंबर पांच पर आता है आइडियल वेट। श्री राम की कोई भी फोटो देख लीजिए, इनफैक्ट रामायण सीरियल भी देखिए, जहां अरुण गोविल जी राम बने हैं। राम को कभी भी बल्कि नहीं दिखाया गया, वो फिट
और आइडियल बॉडी वेट में दिखते हैं, ना तो पतले ना ही मोटे। दूसरी तरफ रावण के 10 सिर हैं, वो भीमकाय है, यानी कि बहुत बड़ा और मोटा। इसे क्या पता चलता है, बुराई बड़ी दिख सकती है लेकिन असल में बड़ी नहीं होती, अच्छाई से हमेशा हार जाती है। मोटा होना, लंबा चौड़ा होना विनर की निशानी नहीं है, फिट होना ही विनर होना है। और वैसे भी अगर आप अच्छा खाएंगे, टाइम से खाएंगे और फिर टाइम से सोएंगे तो अपने आप ही श्रीराम के जैसे आइडियल वेट में रहेंगे। अभी आप में से कोई पूछ सकता है, हनुमान जी तो लंबे चौड़े थे। जी हाँ बिल्कुल थे, लेकिन वो कभी भी मोटापे का शिकार नहीं हुए रावण और कुंभकर्ण की तरह। हनुमान जी के वेट में फैट कम और मसल मास ज्यादा दिखता था, मगर हनुमान जी जैसे बनने के लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की जरूरत है। राम जी की तरह आइडियल वेट को मेंटेन करना कंपैरेटिवली इजी है। राम जी का सच्चा रिस्पेक्ट कब है, जब भगवान की दी गई इस बॉडी को आप रिस्पेक्ट करें। इसलिए इस दिवाली ये 5 चीजें जरूर करें और श्री राम की तरह अल्टीमेट विनर बन जाए अपने खुद के लाइफ के। जाते जाते एक चीज रावण से भी ले सकते हैं, जोर जोर से हंसना मौके पर या फिर बिना मौके के, राक्षस की तरह हंसो क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी दिवाली, मिलते हैं एक नए वीडियो में।